आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस क्यूरी। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी हम बात करेंगे एक्सेल में। जैसे कि पिछली कुछ क्लासेस में दीपक जी मैंने आपको बताया था कि कैसे एक फाइल से हम डेटा ले सकते हैं, फाइल टू फाइल कैसे लेंगे या फोल्डर से कैसे लेंगे, टेक्स्ट से कैसे लेंगे, डेटाबेस से कैसे लेंगे, आपका अदर सोर्सेस से कैसे में हम बात कर रहे हैं, कंबाइंड क्यूरी कैसे करेंगे, ये चीज बताया था आपको। इसमें आपके साथ एक होता है माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमने फ्रॉम फाइल में एक्सेल टू एक्सेल फाइल का हमने डेटा ले लिया हुआ है, एक्सेल दूसरे एक्सेल फाइल से एक्सेस फाइल में डेटा को लिंक किया, उसमें पूरी की पूरी डेटा लिंक होती है। लेकिन हम एमएस क्यूरी के माध्यम से हम लोग क्या करते थे, तो एमएस क्यूरी नहीं, पावर क्यूरी के माध्यम से हम क्या करते थे कि फिल्टर कर लेते थे। बट प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो फिल्टर चेंज करना नहीं हो पाता। तो हम चाहते हैं कुछ कंडीशंस लगाने और कंडीशंस को इजीली हम चेंज करना चाहते। तो यहाँ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का टैब आएगा। इसमें एक्सेल फाइल को सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए। कई सारे टैब है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ अपनी लोकेशन पे चले जाए जहां पे आपकी फाइल सेव है, यहाँ से फोल्डर्स है, ये आपके ड्राइव है, ये आपकी फाइल टाइप है। समझ गए सर? यस सर। जैसे मैं डेटा एक्सेलस को ले लिया एंड ओके किया। उसके बाद हो पहली बार जिसको इस्तेमाल करेंगे, सबसे फर्स्ट बार, तो आपको यहाँ पे एरर देगा, मतलब कि कोई टेबल नहीं होगा, एक छोटा सा एरर बॉक्स देगा, उसको ओके कर दीजिएगा। यहाँ ऑप्शन में ये सिस्टम टेबल जो है अनक्लिक होता है। अगर सिस्टम टेबल अनक्लिक है तो यहाँ पे आपको जो भी सीट के नेम है वो नहीं दिखेगी, लेकिन सिस्टम टेबल है यहाँ पे सीट के नेम दिखेंगे। जितने भी सीट उस फाइल में होंगे सारे सीट आपको दिखेंगे। जिस सीट का डेटा चाहिए उस डेटा को सिलेक्ट कीजिए, पूरा का पूरा चाहिए इसको सिलेक्ट करके इधर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आ जाए। इसमें से अगर कोई कॉलम नहीं चाहिए आपको वो, तो उस कॉलम को हम हटा सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नेम रिपीट हो रहा है, क्वांटिटी अमाउंट टोटल। अच्छा, मैंने दो बार यहाँ SID1 इसको हटा दिया, ये सब दो बार आ रहा है किसी कारण से। हो सकता है डेटा में दो बार हो या फिर इसमें हमने दो बार क्लिक कर दिया हो, इसको रिमूव कर दिया, इतना चाहिए हमने रख लिया। नेक्स्ट, अब इसमें से आपको कंडीशंस लगाने हैं। कंडीशन को छोड़ता हूं मैं, नेक्स्ट करता हूँ। शॉर्ट करना है शॉर्ट कर सकते हो, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो डेटा हमारा लिंक हो गया, यहाँ पे डेटा आ गया, ओवरऑल डेटा आया, राइट सर? यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ओवरऑल डेटा को शो किया। बट मैं चाहता हूं सिटी वाइज शो करना या प्रोडक्ट वाइज लाना, मैं चाहता हूं प्रोडक्ट वाइज या नेम वाइज लाना। तो मैं यहां पे पी में नेम, तो क्यू के अंदर जो हम नेम डालेंगे, पर मैं इसको यहां बना देता हूं। डेटा और यहां हमने कर लिया रिमूव डुप्लीकेट। और मान लीजिए मैंने डेटा वैलिडेशन लगा दिया यहां पे, इसमें लिस्ट दे दिया और लिस्ट में हमने अपने नाम को सिलेक्ट कर। तो मैं चाहता हूं यहां से जिस नाम को मैं सिलेक्ट करूं उसी का डेटा यहां पे ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाए। प्रॉब्लम समझ में आया सर? जी सर, क्लियर। तो चलिए हम इसकी प्रॉब्लम तुम समझ गए। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे? गेट डेटा के अंदर फ्रॉम अदर सोर्सेज में माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करेंगे, देन ओके। यहां से अपनी एक्सेल फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे जो कि हमने सिलेक्ट किया था, डेटा डॉट एक्सेलएस, देन ओके। हम लेंगे
नेक्स्ट यह हम कंडीशन देते हैं, कंडीशन में हमने बोल दिया इक्वल कविता, और भी कंडीशंस लगाने हैं तो और भी कंडीशंस आप लगा सकते हैं एक से ज्यादा। नेक्स्ट मुझे डेटा सॉर्ट करना है तो हम चाहते हैं कि नेम वाइज डेटा सॉर्ट हो जाए, या क्वांटिटी वाइज या टोटल वाइज डेटा सॉर्ट हो असेंडिंग। फिर नेक्स्ट नेक फिनिश कर दिया, फिनिश करके हम ओके करेंगे। यहां देखिए सिर्फ कविता का डेटा आया, बट मुझे कविता का नहीं चाहिए, मुझे तो इसके अकॉर्डिंग चाहिए ना, इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। डेटा मेनू बार के अंदर क्यूरी कनेक्शंस में आपको आना है, थोड़ा सा हैंग हो गया या राइट राइट क्लिक, और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद डेफिनेशंस में ये देखिए हमारा SQL क्यूरी है, ये SQL क्यूरी कमांड यहां लिखा हुआ है, तो सिलेक्ट यहां पर देखिए कॉलम्स नेम्स दिए हुए हैं, फिर यहीं पे फ्रॉम डेटा का दिया हुआ है, लोकेशंस डेटा, ये आपका सीट नेम है, और यहाँ पे बेयर तो डेटा डॉट नेम इक्वल टू कविता, कविता को इन्होंने इन्वर्टेड सिंगल कोटेशन मार्क में डाल रखा है, तो हमने कविता को हटा दिया, कोटेशन मार्क को भी डिलीट कर दिया, इसके जगह पे दे दिया क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाल के जैसे ही मैं ओके करूंगा, ओके करने के बाद यहाँ पे आपको पैरामीटर देने के लिए बात बोलेगा कि पैरामीटर दीजिए। हमने T2 को सेलेक्ट कर लिया पैरामीटर, और यहाँ पे दिया यूज वैल्यू रिफरेंस फ्यूचर रिफ्रेश एंड रिफ्रेश ऑटोमेटिकली व्हेन द सेल वैल्यू चेंज, जिसे यहाँ चेंज होगा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, देन ओके। देखिए अब T2 का आ गया, अब यहाँ पे हम T2 के जगह पे इंद्र करते हैं, इंद्र का रिपोर्ट आ जाएगा, मोहन करते हैं तो मोहन का, उदय करते हैं तो उदय का, टीना करते हैं तो टीना, समझ गया सर? क्लियर है सर, ये कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। अब बात आती है कि मुझे इसमें अगर मल्टीपल कंडीशन लगाना होगा तो मैं चाहता हूं यहां पे प्रोडक्ट, मैं यहीं पे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में मैं यहाँ डीवीडी कर दिया, तो मुझे टी टू की डीवीडी का चाहिए। हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा मेनू बार में आते हैं और यहाँ सॉरी क्यूरी कनेक्शन पे आएंगे, नया क्यूरी लगाने की जरूरत नहीं है। पेज पे आते हैं डेफिनेशंस में, आप यहाँ देखिए आपके सामने वेयर मार्क है, तो इसमें हम इसी को कॉपी करते हैं और यहां पे हम देते हैं एंड पेस्ट करते हैं, नेम के जगह क्या लेंगे प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का कॉमा डॉट यहां से नहीं हटना चाहिए, वरना गलत दे हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क कर दिया, ओके करेंगे तो देखिए पैरामीटर टू आपसे पूछ रहा है, क्योंकि पहला पैरामीटर तो पैरामीटर टू में हमने ए पुट डीवीडी वाला ऑप्शन ले लिया, देन ओके एम। देखिए अब यहां पे हम दो कंडीशन को एंड ऑफ कर रहे हैं, तो हमने एंड लगा दिया, तो एंड क्या किया कि आपको मोहन के अंदर जो डीवीडी है उसका लिख रहा है, और कर देंगे तो मोहन और डीवीडी दोनों का लिखेगा। तो एंड और का इस्तेमाल करके आप कंडीशंस को बढ़ा घटा सकते हैं। क्लियर सर? यस सर। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे आपके साथ
कि हमारे पास एक ही सीट में दो अगर डेटा है तो क्या करेंगे। आपको याद होगा मैंने जब डेटा कनेक्शन पढ़ाया था तो उसमें बताया था हमने कि हम दो फाइल, दो से दो अधिक फाइलों को डेटा को अपेंड करके और हम उस पे पिवट लगा सकते हैं, याद होगा या भूल गए? हेलो सर, याद है सर। तो प्रॉब्लम क्या है कि उसमें हमने क्या किया था, अपेंड क्यूरी किया, राइट? हमने अपेंड क्यूरी किया था ना, बट अपेंड क्यूरी में प्रॉब्लम क्या है कि वो आपका जो ऑफिस 365 है, 16 है, 19 है, उसी पे चलता है। 2007 कर लीजिए आप, 10 कर लीजिए, 13 कर लीजिए, उस पे आपको पावर क्यूरी नहीं है। अब उस पे आपका पावर क्यूरी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपका वर्क नहीं करेगा ना, क्या बोल रहे हैं सर? जी सर। तो मेरे पास दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। एक SQL और SQL2 नाम के दो फाइल है, उसके दोनों सीट का डेटा मुझे, उस दोनों सीट का डेटा एक के नीचे एक पेस्ट करके उसके ऊपर हमें पिवट टेबल लगाना है। उसके लिए भी हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। और मैं यहाँ पर माय डॉक्यूमेंट में SQL था, SQL पे देखिए SQL का डेटा ले लिया। अब इसमें क्या है, दो फाइल सिलेक्ट नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हैं। SQL को लिया हमने, ओके कर दिया। इसका सीट वन का डेटा चाहिए, हमने सीट वन का डेटा रख लिया। नेक्स्ट कंडीशन लगाना, लगाइए कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए। यहाँ देखिए लास्ट में जो फिनिश करते हैं, फिनिश करते समय रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं, व्यू एंड एडिट क्यूरी इन द माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पे क्लिक कीजिएगा। ये आपका जो है SQL क्यूरी का एक विजार्ड जो है आपके सामने यहाँ खोल देता है। यहाँ पे SQL क्यूरी का आपका विंडो आता है, इसमें बड़े आराम से आप यहाँ पे अपना क्यूरी कमांड डाल सकते हैं, जो लिखना चाहते हो लिख सकते। कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो आसानी से कॉलम ऐड कर सकते हैं। कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन में लिख दिया स्टार कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस सीट। अब मुझे इसमें दो सीट चाहिए ना, क्या सर? यस सर, सीट कर दीजिए। हाँ तो हम इसी को कॉपी करते हैं और नीचे हम पेस्ट करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में हमें यूनियन नाम का एक SQL होता है, यूनियन, सॉरी, यूनियन और, जो कि दो डेटा को कंबाइन करता है। बट इसमें SQL2 नाम का फाइल ऐड कर देंगे हम यहां, ठीक है? देन ओके ये देखिए दो डेटा को इसने यहां पे मर्ज कर दिया, समझ गए? लोड को लोड एंड क्लोज करेंगे तो हमारा दोनों डेटा के ऊपर पिवट टेबल लग सकता है। रिटर्न टू एक्सेल, पूछे क्या चाहिए, टेबल चाहिए, डेटा चाहिए, या हमने बोला पिवट टेबल रिपोर्ट चाहिए, तो मुझे दोनों डेटा को कंबाइन करके यहां पे हमारा रिपोर्ट जनरेट कर दिया गया, समझ गया? अब दूसरा है कि मुझे डेटा दूसरे फाइल से डेटा लेके तो आना है, बट डेटा हमें उस पे एक समरी चाहिए, वो डेटा नहीं चाहिए मुझे वहां से, उसकी क्या चाहिए, समरी चाहिए। तो हम इसके लिए पिवट नहीं लगाना चाहते क्योंकि पिवट से हमें पूरा डेटा मिल जाता है, इसलिए हम पिवट नहीं लगाना चाहते। हमें डेटा इंपोर्ट करना है बट समरी डेटा इंपोर्ट करना, ले लिया हमने डेटा वन, समझ गए मैं क्या करना चाह रहा था? हमें वहां से क्या चाहिए, समरी डेटा, कि डेटा आया लेकिन समराइज होते हुए आया। नेक्स्ट
next, next return to Microsoft Query and finish. अब इसी में हमारे पास आपको याद होगा मुझे इसमें समरी किसे चाहिए, नाम वाइज मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, समझ गया? तो मैं यहां पे इक्वल टोटल इसमें आपको ऐसे नहीं होगा, इसको आपको यहां इसको सेलेक्ट किया एंड शिफ्ट के साथ नेम सेलेक्ट होगा, नहीं 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 कंट्रोल कंट्रोल के साथ of quantity इसकी SQL query पे आते हैं, select data आ गया, sum तो हमने इसमें जो बाकी जो नेम दिए हुए हैं उसको डिलीट कर देता हूं एज ए सम ऑफ क्वान्टिटी, हाँ इसको भी हमने डिलीट कर दिया। देखिए यहाँ पे आ गया ग्रुप बाई, अब ग्रुप बाई में हमने सिर्फ SID लिया, स्टेट लिया, नेम, हमें ग्रुप बाई नेम देना होता है। देखिए इसको करने के लिए SQL क्यूरी अच्छे तरीके से आना चाहिए, अगर SQL क्यूरी आपको अच्छे तरीके से आता है तभी आप इस सबको इस्तेमाल कर सकते। तो यह होगा यहां पे सिलेक्ट सम, सिलेक्ट सम, यहां पे नेम आ गया क्वांटिटी और फ्रॉम द डेटा और ग्रुप बाय कौन सा कॉलम, तो हमने बोला नेम, ओके इसमें डॉट नहीं लगाने में ये तो है ग्रुप बाई डेटा डॉलर साइन डॉट नेम क्यूरी मिस्टेक, एक मैं इसको कैंसिल करता हूँ वापस आता हूँ। सम, सम के अंदर दिया सम ऑफ द क्यूरी, उसके बाद ये पूरा डिलीट कर देता हूँ मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेटा डॉलर साइन दे दिया ग्रुप बाय डेटा SID CID डेटा डॉट नेम था। देखिए मैंने क्या क्यूरी कमांड लिखा, सिलेक्ट हमने दो कॉलम नेम जिसके बिहार पे चाहिए और जिसका सम चाहिए, सम के यहाँ सम के जगह पे काउंट एवरेज मिनिमम मैक्सिमम बहुत सारे जो कोड डालना चाहिए हम डाल सकते हैं, राइट।
और ये हमारा कॉलम नेम हुआ सम एज अ क्वांटिटी। तो सम एज अ क्वांटिटी के जगह पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं, टोटल और बहुत सारी चीजें भी लिख सकते हैं। फ्रॉम यहाँ पे ग्रुप बाय मतलब किसके भी आप पे ग्रुप होगा, जैसे हम लोग पिवट लगाते हैं ना तो रो फील्ड में जो नाम लिखते हैं वो यहाँ ग्रुप बाय देना होगा। एंड ओके कर लीजिए। अब मैं इसको यहीं से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट। अब मान लीजिए कि आपको क्वांटिटी का सम नहीं करना था, एमआरपी का करना था या टोटल का करना था, तो आप इसकी चेंजिंग यहीं से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ आइए क्यूडी कनेक्शंस, राइट क्लिक प्रॉपर्टी डेफिनेशंस, ये रहा क्वेरी का कमांड। आप यहीं पे अपना जो चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। समझ गए? सर इसको एक बार देखने दीजिएगा मुझे, तब मैं कोई क्वेरी होगी तो बताता हूँ आपको, बहुत टिपिकल लग रहा है मुझे। हाँ थोड़ा सा इसमें SQL की नॉलेज भी चाहिए। समझ में तो आ रहा है सर, एक बार मैं करके देखता हूँ अपने से, फिर कोई क्वेरी होती है तो आपसे पूछता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार अपने हिसाब से, मैं रिकॉर्डिंग आपके पास हो ही गया है, एक बार रिकॉर्डिंग को देख लीजिए। रिकॉर्ड हो गया सर, एक बार देख कर चेक करके अगर कुछ दोबारा क्वेरी होती है तो आपसे कंफर्म करता हूँ। जी हाँ जी हाँ, तो मिलते हैं कल सेम टाइम।